फ्रूट्स खाना बहुत अच्छा होता है, मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मतलब पहली बार बोलते हैं। मॉर्निंग गाइस, एक्चुअली जगदीश ने मुझे जो बोला था उसके दूसरे दिन ही मैं सो गई, उठ ही नहीं पाई, एक्सरसाइज के लिए बोलो या वॉकिंग के लिए बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है दूसरे दिन ही ये हाल है, तो जगदीश मुझे जिम लगा के ही छोड़ेंगे, तो देखते क्या होता है। लेकिन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड माई न्यू वीडियो। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी एक्चुअली मुझे थोड़ा सा गले में खराश हो रही थी, और जैसे कि अगर मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मुझे टॉन्सिल की तकलीफ़ है, तो इसलिए अब हम गरारे करेंगे पहले तो गार्गली, उसके बाद देखेंगे। इतना भी तकलीफ़ नहीं है, लेकिन उठ नहीं पाई मैं, मतलब मुझे बहुत नींद आ रही थी तो मैं सो गई और मैंने एक्सरसाइज नहीं की कुछ भी। दूसरे दिन ही जो टारगेट दिया था उसका ही। या आप जब सोफे का कवर लगाते हो, ये अच्छा करते हो, तब ये सोफा नहीं रहता है क्या उसमें इंक्लूड? नहीं, वो अलग है। क्या है वो? वो सिंगल है। तो वो सोफे का कवर नहीं लगाना रहता है? नहीं, सिर्फ यही बड़ा वाला है सोफा। यस। फिर वो कौन लगाएगा? जगदीश के मैथमेटिक्स, मम्मी उनको खाना खिला रही है इस बात पे। अभी हम करेंगे गर्मा गर्म नाश्ता, स्प्राउट्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट और हेवी भी ब्रेकफास्ट। जगदीश क्या कर रहे? हेलो बोल दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक। वेलकम बैक टू संचालित व्लॉग। मेरा एक छोटा सा गार्डन है और उस गार्डन के कभी कभी प्लांट्स बेचारे, मैं आपको एक मिनट दिखाती हूँ। केयर लेके भी कभी कभी ये मतलब अच्छे नहीं रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखिए इतना मैं उनको मतलब केयर लेती हूँ उनकी, भी वो कुछ हद तक ग्रो नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि मेरे छोटे गार्डन का एक प्लांट अगर बढ़ा नहीं या उसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मुझे बहुत बुरा लगता है, कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए मैं क्या करूँ कि ये अच्छा रहे। तो जो जो फार्मर लोग रहते हैं उनका अगर मतलब अभी जो बारिश हो रही है, जो वेदर चेंज हो रहा है, उनका जो लॉस होता है वो तो मतलब वो क्या करेंगे यार, उनको कितना बुरा लगता होगा। मुझे गार्डन का एक प्लांट अगर इतना खराब हो रहा होगा तो मुझे इतना बुरा लगता है, उनकी तो पूरी खेती, इतना उन्होंने जो खून पसीना ये किया है, कितने सारे पैसे उसमें डाले होंगे, वो सब अगर लॉस में गए तो उनको कितना बुरा लगता होगा। मुझे ऐसा लगता है, मुझे हर एक प्लांट के लिए ऐसा लगता है कि यार ये अगर होगा, मुझे इतना एक के लिए लग रहा है तो वो फार्मर लोगों को कितना लग रहा होगा। तो सोचने वाली बात है एक्चुअली। एनीवेज अब हम चलते हैं क्लिनिक, फिर आके बाद में आपसे मिलते हैं। व्लॉगिंग देख के मेरी मम्मी बोलती है कि तू ये सब डॉक्टर पेशेंट वगैरह सब छोड़ के व्लॉगिंग ही शुरू करती है, क्योंकि मतलब कैमरा से तो मुझे पहले से ही प्यार था, लेकिन बचपन में पापा बहुत स्ट्रिक्ट है मेरे, तो वो इतना अलाउ नहीं करते थे। मतलब पढ़ाई करो, उसके साथ आपको जो करना है करो, लेकिन मेडिकल लाइफ इतनी बिजी रहती है, मतलब जो करना है वो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बिजी रहती है कि पढ़ाई एंड ऑल दैट, कि हम बाकी चीज़ें नहीं कर पाते। अभी मेरे पास, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो हॉबी है मैं वो पूरी कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। पर अगर आपको लगता है कि मैं सब छोड़ के व्लॉगिंग ही करूं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। 1 2 3 ये फिर भी मेरे पास कपड़े नहीं है। जगदीश मेरे पास कपड़े नहीं है ना? नहीं, काश इतना फास्ट सब लाइफ में हो जाता। हमारा डिनर अब भी हो गया है, तगड़ी नींद लेके उठे थे और भूख लग गई थी, तो डिनर हो गया है अभी। जगदीश चले गए हैं क्लिनिक, मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, थोड़ा लेट जाऊंगी, क्योंकि मुझे एक मतलब हमारे डॉक्टर लोगों की किटी पार्टी है उसमें जाना है, तो मैं वो करके फिर बाद में जाऊंगी। तो एक्चुअली उसका
ड्रेस कोड ब्लैक है तो सब ब्लैक पहनना चाहिए, पर आज मेरी फर्स्ट, मुझे एक्चुअली पता नहीं इतना कुछ उसके बारे में, आई थिंक वो कलर काउंट करते हैं क्या वो मुझे पता नहीं, लेकिन ब्लैक तो पहनूंगी, पर देखते हैं वहाँ पे जाके, मेरी फर्स्ट ही है, अभी जान से शुरू की है मैंने, तो वहाँ का वीडियो पता नहीं मैं ले पाऊँगी कि नहीं, थोड़ा सा तो ले जाऊंगी, लेकिन अभी किटी पार्टी जाते हैं, फिर उधर से क्लिनिक जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, बाय। सैटरडे छोड़ के वीकडे पे चाय पीने का मजा जगदीश, पियो फिर। Okay, easy.